मैगी तो आपने बहुत बार बनाई भी होगी और खाई भी होगी। आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल मैगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी वेज विद गीत। विंटर स्पेशल मैगी बनाने के लिए चलते हैं मेरी किचन में। उसके लिए हम सबसे पहले लेंगे एक कढ़ाई। सबसे पहले डालेंगे हम एक चम्मच ऑयल और फिर डालेंगे एक चम्मच बटर। पहले ऑयल डालने से बटर जलता नहीं है, अगर आप डायरेक्ट बटर डालेंगे तो ये जल सकता है। इसमें डालेंगे हम एक क्लोव गार्लिक और एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई। इसे अच्छे से सौते कर लेंगे। फिर डालेंगे एक चम्मच भर के स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न को बटर में रोस्ट करने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर डाल देंगे हम कटा हुआ पनीर और डालेंगे एक प्याज स्लाइस किया हुआ। अच्छे से इसे हाई फ्लेम पे हम रोस्ट कर लेंगे। वेजिटेबल्स आप अपनी पसंद से कोई भी डाल भी सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। फिर मैंने डाली एक लंबी कटी हुई शिमला मिर्च, थोड़े से मटर, अच्छे से इन्हें भी रोस्ट कर लिया। और फिर हम डालेंगे एक बारीक कटा हुआ टमाटर। ये सारी सब्जियां हमें हाई फ्लेम पर ही रोस्ट करनी है। फिर डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी। इसे और भी चटपटा स्पाइसी बनाने के लिए हम डालेंगे इसमें एक मैगी मैजिक मसाले का पाउच और इसे अच्छे से भून लेंगे। इसमें डालेंगे 2 ग्लास पानी। मैं यहाँ एक मैगी बना रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाना ना भूलें। यहाँ मिलेंगी आपको हर तरह की शॉर्ट्स वीडियोस। ये देखिए मैगी का मैंने एक पैक लिया है, सिंगल वाला। मैगी को हमेशा बॉइलिंग वाटर में डालें, कभी भी ठंडे पानी में ना डालें। इससे मैगी का टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पर हम इसे बॉईल करेंगे और हमारी मैगी सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। ऊपर से हम डाल देंगे हरा धनिया। इस विंटर सीजन में एक बार आप इस तरह से मैगी बना के देखिए, सभी आपकी मैगी के फैन हो जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाना ना भूलें। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।